अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ढोकला, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है, नमक डालेंगे आधा चम्मच और हल्दी डालेंगे, आधे चम्मच से कम डालें। यहाँ पे हल्दी हमें थोड़ा ही डालना है, शक्कर डालेंगे 1 चम्मच और तेल डालेंगे 1 चम्मच और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालेंगे, मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। पानी और चाहिए, यहाँ पे 1/2 कप और पानी डालेंगे और बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इस तरह का बैटर चाहिए, ना बहुत गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। जिस बर्तन में ढोकला बनाएंगे उसमें ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा ढोकला चिपके नहीं। यहाँ पे ऑयल लग गया है, और पानी रख देंगे। 1 कप पानी रख दिया है गरम करने के लिए, उसमें ढोकला बेक करेंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, इसमें ईनो डालेंगे। इसे चम्मच में निकालेंगे तो 1 चम्मच इनो होता है। अगर एक और इनो, 1/2 चम्मच और डालेंगे तो और अच्छा परफेक्ट ढोकला बन के तैयार होगा। मेरे पास 1 ही है तो 1 से भी काम चला लेंगे। यहाँ पे इनो डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे ज़्यादा देर नहीं रखेंगे और फौरन कंटेनर में डालकर इसे बेक कर लेंगे। यहाँ ग्रीस किया हुआ कंटेनर है, अब इसमें हम डाल लेंगे। यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रखा था, यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया, बॉईल हो रहा है। अब इसमें स्टैंड डालेंगे, फिर कंटेनर रख देंगे। अब इसे अच्छे से ढक लेंगे और 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे, बीच में खोलेंगे नहीं। यहाँ पे ढोकला बेक हो रहा है जब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाला है और 1 चम्मच राई डालेंगे। करी पत्ता डालेंगे, चार हरी मिर्ची डालेंगे, उसको मैंने बीच में से इस तरह कट कर लिया है। अब इसे डाल लेंगे। नींबू का रस डालेंगे 1 चम्मच, 3 से 4 चम्मच शक्कर डालेंगे और 1.5 कप पानी डालेंगे और 1/2 चम्मच से कम नमक डालेंगे। अब इसे शक्कर घुलने तक पका लेंगे। यहाँ पे शक्कर घुल गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं, अब चेक करेंगे। यहाँ पे नाइफ एकदम क्लीन निकला है, मतलब हमारा ढोकला तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारा ढोकला ठंडा हो गया है। अब साइड से इस तरीके से ढोकला को निकालेंगे। अब उस पर 1 प्लेट रख के इसे पलट लेंगे और ऊपर से इस तरीके से टैप करेंगे ताकि हमारा ढोकला अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे हमारा ढोकला एकदम अच्छे से निकल गया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ढोकला को कट कर लिया है। अब जो तड़का तैयार किए थे उसे डालेंगे। हर तरफ अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।